जी हाँ, अपने बाल से यानी कि एक बाल के टुकड़े से कितने ग्राम वजन उठा सकते हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि एक बाल के टुकड़े से कितने वजन उठा सकते हैं। आपने कभी या अपने आप से क्वेश्चन किया होगा कि अगर नहीं किया है तो जान लीजिए कि कीवर्ड कंप्यूटर में यूज किया जाता है वह जो होता है अल्फाबेट, वह सीरियल लाइन में क्यों नहीं होता है, यानी उनका सीरियल लाइन क्यों नहीं होता, अलग अलग विभिन्न प्रकार क्यों होते हैं, ऐसा सीरियल लाइन में क्यों नहीं दिया जाता है। साइंटिस्ट जो ये कीवर्ड को सजाए थे, बनाए थे, वो सीरियल लाइन में पहले ABCD अल्फाबेट को लिखे हुए थे, लेकिन अधिक स्पीड पर इस पर काम करना, यानी कि कोई व्यक्ति उस पर काम नहीं कर रहा है, एकाएक उस पर स्पीड से काम करने लगा, जिसके कारण कीवर्ड खराब हो जाता था अधिक अधिक मात्रा में, यह कंपनी को शिकायत पहुंचने लगा, जिसके कारण वह अल्फाबेट को विभिन्न प्रकार यानी कि सीरियल लाइन से हटाकर अलग अलग रख दिए कि कोई भी काम करे तो वह समय कुछ ले कीवर्ड को टाइप करने के लिए, या नहीं कि रुके हुए हैं एकाएक उस पर स्पीड बढ़ा दिए काम करने के, जिसके कारण खराब रहता था। गाइज, फेसबुक आजकल इतने पॉपुलर हो गए हैं कि बच्चे से लेकर बूढ़े तक आप किसी से पूछ सकते हैं कि आप फेसबुक के बारे में आप कुछ जान रहे हैं, सभी कुछ ना कुछ बता सकते हैं। लेकिन क्या फेसबुक का स्थापना कब हुआ, इसका संस्थापक के कौन सा व्यक्ति है, इनका नाम यानी कि फेसबुक कितना जल्दी कैसे ग्रो किया। जी, इसका स्थापना 2005 में हुआ, जो कि मात्र कुछ ही सालों में, या मार्क जुकरबर्ग के द्वारा स्थापना हुआ, जो कुछ ही सालों में बहुत जल्दी लोगों के पास पहुंचा। सबसे अच्छे इंटरनेट स्पीड किस देश में प्रोवाइड हो रहा है, यानी कि वहाँ पर सबसे इंटरनेट स्पीड कहाँ पर अच्छे मिल रहा है, जहाँ पर आप जमीन खोद कर भी इंटरनेट चलाएंगे बहुत अच्छे तरह का, यानी कि वहाँ कितने स्पीड मिल रहा है, आप किसी भी घर या कोने में जाकर चलाएं, टाउन है या शहर हो, सबसे अच्छी अधिक इंटरनेट स्पीड वहीं पर मिल रहा है, यानी अच्छे मिल रहा है। 3 MB प्रति सेकेंड मिले, आप किसी जगह चला सकते हैं, घर हो या जंगल या किसी जगह। यहाँ साउथ कोरिया में है, साउथ कोरिया में अच्छा इंटरनेट स्पीड मिल रहा है। गूगल एक वर्ष में बिजली खपत कितना कर देता है, आप लोग हम लोग बिजली खपत के बारे में बहुत अधिक सोचते हैं, कहते हैं कि एक मंथ में बहुत अधिक रुपए हो गए, 1000-2000 बहुत सारे ढेर रुपए होंगे, लेकिन गूगल इतना बड़ा है, वह एक वर्ष में कितने यानी कि कितने बिजली को खपत कर देते हैं, 15 बिलियन किलोवाट वहाँ एक साल में ही खत्म कर देता है बिजली बिल। आजकल गूगल को कौन नहीं जानता है, पूरे दुनिया में गूगल को प्रत्येक व्यक्ति से आप पूछेंगे गूगल के बारे में, प्रत्येक आदमी बताएगा। लेकिन गूगल कंपनी का जब स्थापना होने वाला था, तो गूगल का ओरिजिनल नाम क्या, यानी कि रजिस्टर्ड क्या गूगल का नाम रखने वाले थे, गूगल का नाम गूगल यानी GOOGOL रखने वाले थे, जो कि जब वह रजिस्टर्ड कराने गए तो पहले से वह कंपनी रजिस्टर्ड हो गया था, जिसके कारण उनको गलती से यानी कि गूगल नाम रखना पड़ा, जो कि आज पूरे दुनिया पर राज कर रहा है। हमारे सिर में जो बाल है वह किस उम्र के बाद जाने के बाद वह झड़ने का प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, अधिक मात्रा में झड़ने लगता है, बाल हमारे गिरने लगते हैं। आप कहीं महसूस किए हैं कि जो बूढ़े व्यक्ति है उनके बाल झड़े हुए रहते हैं, औरतों का अक्सर। जी हाँ, 50 साल के करीब जाने के बाद आपके सिर से बाल झड़ने लगते हैं, 50% झड़ जाते हैं। क्या हमारे सिर का जो बाल है वह एक ही रेशियो में हमेशा बढ़ते रहता है, हमेशा रेशियो क्या सेम है उसका बढ़ने का, जैसे कि प्रत्येक महीना जो कि जनवरी, फरवरी, मार्च, इस प्रकार क्या आता है दिसंबर, उस महीने या सभी महीने में समान बढ़ते हैं, नहीं, सर्दियों में यानी कि ठंडे के मौसम में बाल बढ़ने का प्रक्रिया धीमी होती है, और गर्मियों के मौसम में बाल बढ़ने की प्रक्रिया बढ़। क्या आप जानते हैं जो हमारे सिर है उसमें बाल की संख्या कितने हैं, कितने हो सकते हैं। एक अनुमान के तहत काउंट किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास लगभग कितने बाल, जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके, और जो भी 1 लाख से लेकर 2 लाख के करीब बाल जनसंख्या है, बाल के संख्या है, किसी का घना बाल है तो 1 लाख से अधिक मात्रा, जिसका यानी कि एक साथ है तो उसका 1 लाख के करीब, यानी कि 1 लाख के। गाइज क्या आप जानते हैं जो हमारे सिर में बाल होते हैं, जो स्त्रियों का बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते हैं, उस बाल से आप कितने ग्राम वजन को उठा सकते हैं।
जैसे कोई रस्सी से आप कोई भी सामान उठा रहे हैं, एक बाल से कितने ग्राम, आप एक बाल से 100 ग्राम के वजन को, यानी कि एक बाल को बांध कर किसी वजन 100 ग्राम के वजन को आप उठा सकते हैं। मेरे वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।